सुप्रभात। आज मैं आपके सामने आपके हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत के तीसरे अध्याय नादान दोस्त को लेकर उपस्थित हूँ। नादान दोस्त की रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं। तो संक्षेप में पहले हम मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय प्राप्त करेंगे। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से लगभग 4 मील दूर स्थित लम्ही नाम के गाँव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था और इन्होंने अपनी रचनाएं नवाब राय के नाम से लिखनी प्रारंभ की थी। बहुत बाद में जाकर इन्होंने अपना नाम मुंशी प्रेमचंद रखा और फिर इसी नाम से रचना करने लगे। इनकी कुछ मुख्य रचनाओं में गबन, गोदान जैसे उपन्यास हैं और बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, पूस की रात, बूढ़ी काकी आदि इनकी कुछ प्रमुख कहानियां हैं। इन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ हम मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित नादान दोस्त कहानी को पढ़ेंगे। तो आइए इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने बालक के मन का यानी बच्चों के मन का बहुत ही अच्छा चित्रण किया है। बच्चे मन से कितने कोमल होते हैं, कितने नादान होते हैं और उनकी बाल सुलभ नादानियाँ किसी के लिए परेशानी का कारण भी बन सकती हैं। इन्हीं बातों को मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी में बतलाया है। तो कहानी की पंक्तियाँ कुछ इस तरह हैं। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। यानी इस कहानी के किरदारों में दो बच्चे हैं जिनमें एक का नाम केशव है और दूसरे का नाम श्यामा है। दोनों आपस में भाई बहन हैं। तो केशव और श्यामा के घर में कार्निस के ऊपर, कार्निस का अर्थ होता है दीवार का छज्जा, दीवारों में जो थोड़ा सा छज्जा निकला होता है बारिश से दरवाजों को और दीवारों को सुरक्षित रखने के लिए, उसे ही हम कार्निस कहते हैं। तो केशव के घर में भी कार्निस के ऊपर चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था और उसमें उसने अंडे दिए थे। तो केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों रोज़ ही बड़े ध्यान से वहाँ चिड़िया को आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुद भी न रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे। प्रेमचंद का कहना है कि जब केशव और श्यामा चिड़िया को वहाँ देखा करते थे, एकदम सुबह सुबह नींद से जागते ही वो वहाँ पहुँच जाते थे और घंटों उनको निहारा करते थे बिना खाने पीने का होश किए, है ना। उन्हें खाने की भी सुध न रहती थी और चिड़िया को देखकर उनके दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे, यानी प्रश्न उठते थे। कैसे प्रश्न थे वो? अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। लेखक कहते हैं कि दोनों बच्चे आपस में ये सवाल सोचते रहते थे कि अंडों का आकार कितना बड़ा होगा, है ना, और उनका रंग कैसा होगा, उनकी संख्या कितनी होगी यानी कुल कितने अंडे होंगे, वो अंडे क्या खाते होंगे और उन अंडों में से बच्चे बाहर कैसे निकलेंगे, और जब बच्चे बाहर निकलेंगे तो उन बच्चों के पंख कैसे निकलेंगे, वो घोंसला कैसा होगा बाहर से और अंदर से, क्या वो बच्चों के लिए आरामदायक और सुरक्षित होगा। तो इस तरह के बहुत से सवाल थे जो केशव और श्यामा के मन में उठते थे, लेकिन उनके इन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी और ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। लेखक का कहना था कि जब इन दोनों बच्चों के मन में ये सवाल उठते थे तो वो अपने सवालों का जवाब किसी से भी पा नहीं सकते थे, क्योंकि उनकी माँ जो थी वो घर के काम में लगी रहती थी, माँ को बिल्कुल भी फुर्सत नहीं थी, और उनके बाबूजी अर्थात बच्चों के जो पिता थे वो अपने व्यवसाय में
में अपने पढ़ने लिखने के काम में ही उलझे रहते थे। तो ऐसी स्थिति में जब माता और पिता से बच्चों को कोई भी जवाब नहीं मिलने की उम्मीद थी, तो वो आपस में ही एक दूसरे के सवालों का जवाब दिया करते थे और अपने दिल को तसल्ली यानी कि दिलासा दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे? केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। यानी यहाँ हमें ये पता चल रहा है कि श्यामा केशव से छोटी थी, तो चूँकि वो छोटी थी तो वो अपने भाई से उत्सुकता से पूछती थी कि क्यों भैया, बच्चे जब अंडे से बाहर निकलेंगे तो क्या वो निकलते ही फुर से उड़ जाएंगे? और तब केशव एकदम श्यामा को इस तरह समझाता जैसे वो बहुत विद्वान हो, बहुत ज्ञानी हो, और वो समझाते हुए कहता था कि नहीं पागल, ऐसे कैसे बच्चे उड़ जाएंगे, पहले बच्चों के पंख निकलेंगे, भला बिना पंखों के वो कैसे उड़ेंगे। श्यामा कहती, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? श्यामा के मन में ये भी सवाल था कि चिड़िया बच्चों को क्या खिलाएगी, और केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। केशव के लिए श्यामा द्वारा पूछा गया ये सवाल पेचीदा था, पेचीदा यानी कठिन, है ना, मुश्किल। तो ऐसे मुश्किल सवाल का जवाब केशव को कुछ भी समझ में नहीं आता था, तो वो चुप रह जाता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे, यानी कि इस तरह से सवाल जवाब करते और चिड़िया को वहाँ आते जाते देखते हुए केशव और श्यामा को लगभग 3-4 दिन बीत गए थे। और उन दोनों की जिज्ञासा यानी कि किसी चीज़ के बारे में जानने की इच्छा, तो इन दोनों की जिज्ञासा यानी चिड़िया और उसके अंडों के बारे में जानने की इच्छा हर बीते हुए दिन के साथ और ज़्यादा बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। अधीर का अर्थ होता है जिसमें धीर ना हो, धैर्य ना हो, यानी एकदम बेचैन हो गए थे वो अंडों को देखने के लिए। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे, बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। तो केशव और श्यामा ने सोचा कि अब तो काफ़ी दिन बीत चुके हैं, तो अब तो जरूर अंडों से बच्चे निकल आए होंगे। और ये सोचते ही उनके मन में ये प्रश्न भी आया कि आखिर बच्चों को खाने के लिए क्या मिलता होगा, यानी उनका चारा, उनका भोजन क्या होगा। तो इस तरह आपने देखा कि इस अंश में प्रेमचंद ने ये लिखा है कि दो बच्चे हैं जिनके घर में उनके दीवार की कार्निस पर चिड़िया ने अंडे दिए हैं, और दोनों बच्चे उस अंडे के बारे में जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हैं। तो इस पठित अंश के कुछ कठिन शब्द हैं जो हम देखेंगे। तो पहला कठिन शब्द है कार्निस यानी कि दीवार की कंगनी या छज्जा। दूसरा है शुद्ध यानी होश। तीसरा है तसल्ली यानी कि दिलासा या संतोष। फिर है पेचीदा यानी कठिन या जटिल या मुश्किल। जिज्ञासा यानी कि जानने की इच्छा। अधीर यानी कि बेचैन या व्याकुल। तो आज का आपका गृह कार्य होगा कि आप इन कठिन शब्दों को याद करें और इसे अपनी फेयर कॉपी में लिखें। इसके अगले अंश के साथ हम कल फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।